मैं हूं आपके साथ आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। आज फिर टीवी इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर आई है जिसने लाखों दिलों को तोड़ दिया। कई हिंदी सीरियल्स और फिल्म्स में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी रीता भादुड़ी ने आज सुबह ही अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि रीता मुंबई के एक अस्पताल के आईसीयू में पिछले काफी दिनों से भर्ती थी। रीता के निधन की जानकारी जाने माने अभिनेता शिशिर शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए दी। रीता ने टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया में ऐसे कई यादगार रोल अदा किए हैं जिन्हें जहन से निकाल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो चलिए नजर डालते हैं पांच ऐसे ही शोज पर जिसमें अपनी जबरदस्त एक्टिंग से रीता ने जान भर दी थी। जी टीवी के सीरियल छोटी बहू को लोगों का खूब प्यार मिला था। रुबीना दिलाय के इस सीरियल में रीता ने शांति देवी पुरोहित का किरदार निभाया था। सारा भाई वर्सेस सारा भाई की इलाबेन को आखिर कौन भूल सकता है। इस धमाकेदार सीरियल में रीता का किरदार महत्वपूर्ण किरदारों में से एक था। जूही परमार का सीरियल कुमकुम काफी लोकप्रिय हुआ था। इस सीरियल के मुख्य किरदार सुमित वाधवा यानी कि हुसैन कुवारे ज्वाला की दादी का रोल रीता ने ही अदा किया था। इस सीरियल में दादी के रोल में रीता को लोगों ने काफी पसंद किया। वहीं खिचड़ी ने लोगों के बीच काफी चर्चाएं बटोरी। इस सीरियल की लोकप्रियता को ही देखकर मेकर्स ने फैसला किया कि वो इस सीरियल के दूसरे सीजन को भी लेकर आएंगे। खिचड़ी में रीता ने हेमलता का किरदार अदा किया था। इन दिनों धमाल मचा रहा शो निमकी मुखिया भले ही टीआरपी लिस्ट से बाहर हो लेकिन अपने दिलचस्प ट्विस्ट की वजह से अक्सर ये सीरियल चर्चा में रहता है। इस सीरियल में रीता इमरती देवी का रोल अदा कर रही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।